Hi everyone, Sachin Jangra this side and welcome back to another video. I hope everyone is doing fine, sab theek thaak honge, sab badhiya honge aur sab acche se padhai kar rahe honge. To abhi karte hain hamari aaj ki video ki baat. To aaj ki video kafi zyada requested aur kafi zyada trend mein aaj ke liye topic chal raha hai, wo hai NMC ka jo naya gazette aaya hai. तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट करी और पर्सनली मैसेज भी किया कि इस टॉपिक को मैं कवर करूं. और इस वीडियो में मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो गजेट आया है नया, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों के लिए जाननी जरूरी है एज अ एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट, या फिर अगर आप फ्यूचर में भी अपना एमबीबीएस अब्रॉड को सोच के चल रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो जो चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, उसके बाद कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा ये गजेट अफेक्ट करने वाला है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आई गेस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आई थिंक जितनी मैंने एमबीबीएस अब्रॉड की वीडियो बनाई है, ये वीडियो उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिना किसी डाउट के. तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और सारी चीजें समझ पाओगे जो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं या जो चीजें ये गजेट आप लोगों को समझाना चाह रहा है. तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं. और ये जो एनएमसी ने नया गजेट निकाला है, ये आपका 18 तारीख को आया है, यानी इसी 18 को, 18 नवंबर को ये एनएमसी ने जो गजेट है ये अपनी वेबसाइट पे डाला है. और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सिंपली एनएमसी गूगल पे टाइप करोगे, पहला लिंक क्लिक करोगे, वहां पे आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक गजेट दिखेगा, वो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो हम फटाफट शुरू करते हैं. और सबसे पहले इसमें एक पॉइंट दिया गया है, फोर्थ पॉइंट. अगर आप इसमें देखोगे, मैं आपके लिए फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे, तो ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, यानी क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजों के लिए हमें एग्री होना है, क्या क्या चीजें हमारी पूरी होनी चाहिए अगर हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना है इंडिया में किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करने के बाद. तो इसमें चार पांच पॉइंट है. तो नंबर वन पॉइंट जो इसमें दे रखा है वो ये कि मिनिमम ड्यूरेशन आपका 54 मंथ्स होना चाहिए कोर्स का ड्यूरेशन. कोर्स का ड्यूरेशन है ये सिर्फ, ये इंटर्नशिप के अलग, मतलब इंटर्नशिप अलग से होती है और कोर्स अलग से होता है. 54 मंथ्स यानी आपका हो गया 4.5 साल, सेम एज इंडिया. इंडिया में भी 4.5 साल का आपका कोर्स होता है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है. तो मिनिमम आपका कोर्स 54 मंथ्स का होना चाहिए, ये पहली कंडीशन. उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है उसमें दिया गया है कि 12 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए आपकी इंटर्नशिप का सेम फॉरेन मेडिकल कॉलेज से, यानी जिस कॉलेज से आपने कोर्स किया है उसी से आपकी इंटर्नशिप भी होनी चाहिए मिनिमम 1 साल की. तो इस हिसाब से आपकी एमबीबीएस हो जाएगी 5.5 साल की. तीसरा आपका पॉइंट है कि जो इंस्ट्रक्शन होगा, जिस इंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ाई करनी है एमबीबीएस की, वो इंग्लिश ही होना चाहिए. डजंट मैटर आप कहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, आपकी डिग्री जो है एमबीबीएस की वो आपको इंग्लिश में ही होनी चाहिए, इंग्लिश में ही मिलनी चाहिए. उसके बाद फोर्थ पॉइंट में दे रखा है कि आपने जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े होने चाहिए. शेड्यूल वन में मैंडेटरी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो आपने एमबीबीएस के ड्यूरिंग, एमबीबीएस के दौरान आपको पढ़े होने चाहिए. उसके बाद अगला पॉइंट है, हम सी पॉइंट पे आएंगे. फोर्थ का सी पॉइंट दे रखा है इसमें, जिसमें लिखा हुआ है अंडरगोन सुपरवाइज इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर अप्लाइंग द सेम टू द कमीशन. मतलब जब आप एमबीबीएस कर लोगे अपनी, फॉर एग्जांपल यूक्रेन, रशिया या कहीं से भी आपने अपनी एमबीबीएस करी है, उसके बाद आपको 1 साल की मिनिमम मैंडेटरी इंटर्नशिप है वो आपको करनी ही पड़ेगी. मतलब आप कहीं से भी एमबीबीएस करके आओ, इंडिया में आके आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है आफ्टर नेक्स्ट वन ऑब्वियसली. तो लास्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि हैज क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम नेशनल एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेटरी टेस्ट कंडक्टेड बाय द कमीशन. इसमें सीधा सा मतलब है जो नेक्स्ट एग्जाम की बात हो रही है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की होनी चाहिए. 54 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए कोर्स का, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी डिग्री होनी चाहिए, मैंडेटरी सब्जेक्ट जो मैं अभी बताऊंगा मेंशन करूंगा वो आपको पढ़े होने चाहिए, और एग्जिट टेस्ट आप जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा नेक्स्ट होगा वो आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप भी आपकी होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, मैं इसमें लगा रहा हूं फोटो आप लोगों के लिए. ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि भाई जो शेड्यूल वन की मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट्स की, वो अभी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो ये देखो बी पॉइंट जो दे रखा है, सेकंड का बी पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट दे रखे हैं और भी सारे सब्जेक्ट है, ये आपके होने चाहिए, ये आपने पढ़े होने चाहिए. उसके बाद आप आ जाओ सी पॉइंट पे, सेकंड का, सेकंड सेक्शन का सी पॉइंट देखो आप, नहीं सॉरी थर्ड देखो आप, थर्ड पॉइंट है, सेकंड का नहीं है, थर्ड अलग से पॉइंट है. लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स और ट्रेनिंग, ये आपकी सेम मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए, जहां से आपने कोर्स किया है वहीं आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि भाई इंडिया में कोई कैंपस में आप 1-2 साल पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद आप अपनी एमबीबीएस अलग जगह से कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, वो लीगल नहीं होगी, वो चीज वो लागू नहीं होगी, मान्य नहीं होगी वो चीज. ठीक है,
और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ये एक हल्का सा पॉइंट है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ड्यूरेशन है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन का मैक्सिमम मतलब वो 10 साल के अंदर आपका पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद भी आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो तो वो भी फिर मान्य नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये किस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो देखो फिलीपींस की मैं बात करता हूँ, फिलीपींस में अगर आप लोगों को पता है कि फिलीपींस में ड्यूरेशन होती है 5.5 साल की एमबीबीएस की, बट दिक्कत कहां आती है, दिक्कत यहां आती है कि वहां पे आपको 1.5 साल का एक कोर्स करना पड़ता है जिसे हम बीएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम। ये प्री मेडिसिन कोर्स होता है जो आपको करना ही रहता है, ठीक है। अब इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 1.5 साल का, 1.5 ईयर का। तो उसके बाद आपका ड्यूरेशन कितना रह गया, उसके बाद आपका 4 साल का ड्यूरेशन रह गया यानी 48 मंथ्स का, और वहां पे लिखा हुआ था कि मिनिमम आपकी 54 मंथ का कोर्स होना चाहिए। तो दिक्कत आएगी फिलीपींस वालों को, तो मेक श्योर अगर आप फिलीपींस में जा रहे हो तो भाई सोच समझ के जाना, उधर तो अब रिकमेंड है ही नहीं कि आप फिलीपींस में जाओ, ये साफ साफ नोटिस आ गया इधर से। और दूसरी चीज, फिलीपींस में ही जो बच्चे जाते हैं पढ़ने, कुछ यूनिवर्सिटीज का टाई अप है इंडिया में, इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ या इंडिया में उनके कुछ कैंपस हैं, तो 2 साल आपको यहां पढ़ाते हैं, 2 या 1.5 साल जो बीएस का कोर्स होता है वो आपको यहां पढ़ाया जाता है, बाकी के लिए आपको फिलीपींस भेज देते हैं। तो आपने 2 इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर ली, एक इंडिया वाले से और एक फिलीपींस वाले से, तो ये भी आपकी मान्य नहीं होगी, ये भी मानी नहीं जाएगी आपकी डिग्री, तो सोच समझ के, राइट। तो ये था जो मेन चीजें थी इस गजेट की, वो मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में समझा दी। और किन बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, फिलीपींस वालों को मेनली सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आई होप कि आप इस वीडियो को पसंद करोगे। अगर आपको समझ में आई है चीजें तो ही करना पसंद, और प्लीज शेयर कर देना इसको सभी मेडिकोज के साथ, सभी जो एमबीबीएस अब्रॉड का सोच रहे हैं या फिर जो फिलीपींस के बारे में स्पेशली सोच रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट गजेट जो आया वो आपके सामने अभी मैंने डिस्क्राइब किया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि वीडियो पसंद आई, और कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है इस गजेट के बारे में, क्या आपको लगता है। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप लोग अपना, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो, टेक केयर।